तो गाइस एक कतई जहर दिख रही है, इसकी आंखें ना कतई जहर दिख रही है, आप दिख रही है ना गाइस। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम लोग बना रहे हैं रैप्टर का केबल। आप लोग लेके रैप्टर के केबल को बनाने के लिए सारी चीज़ें लगती है। तो रैप्टर पैरासोरस का एक का केबल बनता है, पैरासोरस के एक से रैप्टर का केबल बनता है। तो आज का हम लोग केबल से तो पता चल चुका होगा गाइस, हम लोग क्या टीम करने वाले हैं आज। हम लोग आज रैप्टर टीम करने वाले हैं। तो चले गाइस, इसी वक्त हम रैप्टर टीम करने के लिए निकलने वाले हैं। तो मैंने वीडियो स्टार्ट कर दिया, तो रैप्टर के लिए निकल जाते हैं अपने आरजी पर, क्योंकि हम आरजी से रैप्टर को उठा सकते हैं, इसलिए आरजी पर जाना सबसे सेफ होगा। और इस वक्त मेरा फ़ोन यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही लैग हो रहा है, पता नहीं क्यों लैग ना हो, इसलिए इस आईलैंड पर अपने बेस बांधा है ताकि बेस पर कुछ ज़्यादा लैग ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा दूर बांधा है साल से, मतलब पूरे मैप से, मैप के अंदर ही है फिर भी दूर बांधा है काफ़ी, फिर भी इतना लैग क्यों हो रहा है पता नहीं। अभी नहीं गए, ज़्यादा लैग नहीं होगा, लगता मेरे मोबाइल को सेटिंग प्रॉब्लम होगी, इसमें 2 या 3 बार लैग हुआ है। तो गाइस इसलिए सॉरी चाहता हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से कुछ प्रॉब्लम्स थी नेटवर्क, इसलिए लैग या कुछ और या फिर मेरा ऑपरेटिंग कुछ चल रहा था, इसलिए कुछ लैग हुआ, कुछ मालूम नहीं मेरे को, तो उसके लिए आई एम सॉरी। तो आज की वीडियो के लिए हमें सबसे पहले रैप्टर ना बनाएगा। तो गाइस मुझे यहाँ पर रैप्टर पहले मैं स्टोन इकट्ठा करने के लिए इस जगह पर आ चुका हूँ काफ़ी ज़्यादा, तो मुझे यहाँ पर रैप्टर ने बहुत ज़्यादा परेशान किया था। तो इस वक्त यहाँ पर रैप्टर है सारे थे, इस वक्त मुझे एक भी रैप्टर दिख नहीं रहा। तो देखते हैं गाइस यहाँ पर रैप्टर और एक एक्स्ट्रा रैप्टर है क्या, मेरे ख्याल से होने चाहिए यहाँ पर रैप्टर, क्योंकि यहाँ पर रैप्टर मैंने देखे बहुत बार और काफ़ी ज़्यादा होते हैं रैप्टर यहाँ। तो गाइस रैप्टर भैया तो गाइस सामने एक रैप्टर मुझे दिख रहा है। तो गाइस देखते हो कितने लेवल का है, सबसे पहले ज़्यादा लेवल का होगा तभी टेम करेंगे, नहीं तो कम लेवल का होगा तो बिल्कुल नहीं टेम करने वाला मैं। बस इससे भी अभी हमला करना था क्या साले रैप्टर को, पता नहीं है। इसी कार जी एक ठीक जगह, एक जगह जिस जगह पर जाना चाहिए, उस जगह पर रैप्टर रुकता नहीं है, अभी रुक जाए एक जगह पर एक बार। हाँ रुक गया गाइस, अभी हिल गया, अभी साले अभी तेरे को हिलना था क्या, रुक अब दिख नहीं रहा गाइस ठीक से, अभी पास जाके देखते गाइस, और कोई चारा नहीं है। तो गाइस रैप्टर तो 3 लेवल का है, इसका क्या करने का है, इसका क्या अचार डालो 3 लेवल का, साला रैप्टर 3 लेवल का, इतना कम लेवल का मुझे नहीं चाहिए, साले एक फटके मर गया, इतने कम लेवल का रैप्टर को मैं टेम करके करूँगा। तो गाइस थोड़ा मतलब अच्छे लेवल का रैप्टर ढूंढते हैं हमें, तो अच्छे लेवल का रैप्टर पता नहीं कहाँ मिलेगा, पर तुम लोगों का भाई ढूंढ लेगा, डरो मत तुम लोग भाई, बिल्कुल नहीं मतलब अच्छे लेवल का, जितना अच्छा लेवल का मुझे मिल सकता है उतना अच्छे लेवल में ढूंढने का ट्राई करूँगा। तो गाइस इस वक्त रैप्टर मुझे मिल तो नहीं रहा, तो आगे जाके देखते हैं रैप्टर, या आसपास ढूंढता ही फिर रहा हूँ रैप्टर। अब सामने गाइस सामने एक रैप्टर है, तो देखते हैं गाइस इसका लेवल कितना है उसके पास जाकर। अब रुक रुक एक जगह पर, रुक जगह पर। तो गाइस इसका लेवल काफ़ी अच्छा 70 लेवल है मेरे ख्याल से, ठीक से देखा नहीं मैंने, 70 दिख रहा था ना, हाँ गाइस 70 लेवल है, 70। तो हमें से मतलब गाइस मैं से उठाने वाला हूँ अभी इस वक्त, क्योंकि मेरे को लगता नहीं इससे ज़्यादा हाई लेवल का मुझे मिलने वाला है कुछ रैप्टर। तो गाइस ये रैप्टर ने मेरे एक ही फटके में इतनी हेल्थ डाउन कर रहा है, जितने मुझे लगता है बेस तक ले जाने में कम से कम मेरे आरजे को मार ही डालेगा। तो मुझे इसे समुद्र के पास ले जाकर इसे मतलब वहाँ पर नीचे फेंक देना चाहिए मेरे ख्याल से। तो मैं यहाँ पर उसे आपको नीचे ड्रॉप करने वाला हूँ और पेड़ पर बैठकर अपने आरजी की मतलब मटन खिलाकर उसकी हेल्थ बढ़ाने वाला हूँ। तो इससे मेरे ख्याल से यह जगह सेफ है, तो इससे यहीं पर ड्रॉप कर देता हूँ और इस पे उस पत्थर पर जाकर मैं बैठ जाता हूँ सामने वाले। अबे रुक रुक, अबे रैप्टर किधर गया, इतने मिनट से पकड़ा है, दिख गया साला, इतनी जल्दी हेल्थ डाउन करता है। सबसे पहले मैं ये कर लेता हूँ, हीलिंग कर लेता हूँ, अबे इन्वेंटरी ओपन हो जाए। तो गाइस आपके लिए और एक बात जानकारी के लिए बता दूँ, अगर आप रैप्टर सॉरी केबल होते हैं जो आपने मतलब जो डायनो में डायनो के इन्वर्टर में रख दे देंगे तो डायनो वो केबल खा जाएंगे। तो डायनो के इन्वर्टर में केबल रखने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि जनरल नॉलेज के लिए से बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसा मेरे साथ हो चुका है। तो मैं बता देता हूँ कि जो केबल होते हैं वो खुद के इन्वर्टर में रख दीजिए, डायनो के इन्वर्टर में केबल मत रखिए। तो गाइस मेरा मटन भी ख़त्म हो गया और मेरे ख्याल से इतने में कोई परिया नहीं, मुझे इसमें ही उठाना पड़ेगा इस रैप्टर को। तो गाइस रैप्टर को उठा लेते हैं और सबसे पहले बेस की तरफ बढ़ते हैं। बेस की तरह हाँ मिल गई थी बेस, सारा बेस भी गायब हो गया लगता है आजकल। तो गाइस ये मेरा हेल्थ कुछ ज़्यादा ही डाउन कर रहा है,
मेरे को लगता नहीं यहाँ तो बेस तक पहुँचने के लिए मेरे कुछ मतलब कुछ पहुँचा पाएगा जिंदा इस आरजे को जिंदा पहुँचा पाएगा अगर ऐसे मारता रहा तो गाइज मेरे ख्याल से मुझे इसे यहाँ पर ड्रॉप करना होगा कुछ दिन के लिए या कुछ मिनट के लिए यहाँ पर रुक जाते हैं गाइज या जैसे सीधे जाएंगे उसे बेस की तरफ लेकर सबसे पहले यहाँ पर रुक जाते हैं अब रुक एक जगह पर हाँ रुक गए साला पता नहीं तो गाइज रैप्टर किसी से पंगा ना ले तो अच्छा है नहीं तो ट्राइक वो एक से पंगा लेगा चार पांच एक साथ दस दस आ जाते हैं ट्राइक इन्हें मार लेंगे पीछे एक ट्राइक है मुझे डर है इस ट्राइक से वो पंगा ले तो गाइस सबसे पहले मेरा मतलब फूड भी ख़त्म हो चुका है काफ़ी तो मैं हीलिंग नहीं कर सकता तो मेरे ख्याल से स्ट्राइक को मार कर मैं ही मतलब उसका मटन ले सकता हूँ तो देखते कम लेवल का होगा तो मैं ट्राई करूँगा मारने की फिर मार डालता हूँ क्योंकि मेरे पास मटन नहीं और कोई पर्याय नहीं है उस वक्त यार एफ्टर यहाँ पर ही है तो गाइस चलते ट्राइक को मारते मेरे ख्याल से यही सही मौका है ट्राइक को मारने का तो रैप्टर दिख नहीं रहा अच्छी बात है सबसे पहले ट्राइक को फिनिश कर देते भाई आराम से मर जा आराम से और वन लेवल का ट्राइक है ज़्यादा मतलब ज़्यादा पे नहीं करनी पड़ी चना चची एक पेट दो या एक दो फटके में मर जाएगा साला वे मर जा मर जा मर जा मर जा मर जा मर जा मर गया ऐसा देखो तो गाइस रैप्टर आ रहा है अच्छी बात है मरने के बाद आ रहा है नहीं तो जल्दी आ जाता तो उसके उससे भी कुछ फटके लग जाते तो उसे टेमी की फिट मतलब टेमी भी नहीं होता पर फिर भी उसे जब मैं मारूंगा नारकोट से तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है उसकी काफ़ी ज़्यादा हेल्थ कम हो गई तो उसमें एरोज मारूंगा तो सीधे मर जाएगा वो तो अच्छी बात है उसे डैमेज ना पड़े तो उसे अब सीधे उठा के बेस तक ले जाना है तो इस बार ज़्यादा डैमेज मत कर प्लीज़ डैमेज मत कर आराम से ले चलता हूँ तेरे को भाई चुपचाप बैठने का तेरे को टेमी तो कर रहा हूँ तेरे को खा मारने वाला हूँ चुपचाप बैठने का चुपचाप ये किसी मूवी का डायलॉग है चुपचाप बैठने का अबे अबे रुक जाना मेरी हेल्थ दिखे गाइस आप लोगों को दिख रहा होगा साला बहुत ही जल्दी डाउन करने वाला है मेरे को लगता है ये जलम में लग पहुंच गया गाइस सामने मैंने उसके लिए ट्रैप बना के रखा हुआ है तो इस ट्रैप में से डालने वाला हूँ मैं मतलब इसी के लिए नहीं सबके लिए बना के रखा है मतलब एक्स्ट्रा ट्रैप बना के रखा है हर एक डाइनो के लिए अगर जरूरत पड़ी तो ला कर रखता हूँ तो सबसे पहले गाइस रैप्टर का वीडियो में पहले नहीं मतलब अभी बनाया है इसके पीछे जो बहुत सारे वीडियो हो मैंने डाल के रखे मतलब डाले नहीं है फिर भी मैं रैप्टर के वीडियो इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ बात है जो मैं आपको जो टाइटल करूँगा उसमें पता चल चुका होगा कि इसमें क्या बात है मैं अभी नहीं बताऊँगा उसमें क्या बात है सीधा आपको दिखाऊँगा तो शुरू करते हैं सबसे पहले इसे मारना अबे ऊपर नहीं एक गलती से पता हो जाएगा इसमें जो एरोस मारता हूँ ना गलती से मतलब उसके बाजू में जो है वहाँ पर टैप हो जाता है इसी तरह उस पर जंप कर लेता हूँ तो गाइस ये प्रॉब्लम है इस मतलब मेरी खुद की प्रॉब्लम है मेरी सेटिंग मतलब जो सेटिंग है उसकी प्रॉब्लम है कुछ नहीं कर सकते इसके अलावा अगर इसे मेरे मतलब एरोज चुक रहे सारे मतलब मोबाइल जाना काफ़ी ज़्यादा लैग हो रहा था तो इसके कारण अभी बेहोश हो गया अच्छी बात है उस तरफ पीछे मार रहा था उस पर पैरासोरस की एक ले लेता हूँ क्योंकि हमें पैरासोरस के कीबल मतलब रैप्टर को लगता है पता नहीं और किसी किसको पैरासोर का कीबल लगता हो तो इसीलिए मैं पैरासोरस के सारे एक ले लेता हूँ या पैरासोरस मारते उसके लिए लेने पर बिल्कुल नहीं मारते क्योंकि मैंने अभी भी देखा तो पैरासोरस बिल्कुल नहीं मारते तो सबसे पहले इसे रैप्टर का केबल खिला देते हैं मतलब पैरासोर का रैप्टर है ना जो पैरासोर का केबल खाता है जो मैं बता देता हूँ सबसे पहले अबे तो गाइस इसे देखते हैं बूस्ट लेवल कितना मिलने वाला है सबसे पहले और अबे ना 8 इसका मतलब बूस्ट लेवल 8 मिलने वाला है हमें तो ये इस तरफ किसे मार रहा था किस तरफ इस तरफ किसी को तो मार रहा था रैप्टर जब मैं इसे मार रहा था ना तो इस तरफ किसी तो मार रहा था अभी तक दिख तो कोई नहीं रहा अब जैसे जैसे टेम हो जाए तो ये अच्छी बात है मतलब टेम तो हो रहा है इसे कोई बड़ी बात नहीं है तो गाइस मैं सुबह मतलब ये वीडियो मैंने रात को शूट किया और सुबह भी उसका मतलब एडिटिंग कर रहा हूँ पर बहुत ही मतलब अभी इस मतलब खाली उठा हूँ तो इसलिए मतलब मेरी आवाज़ थोड़ी वेट लग रही होगी तो गाइस संभाल लेना अपने इस भाई को ज़्यादा मतलब वेट लग रही होगी ज़्यादा ही कुछ वेट लग रही होगी फिर भी संभाल लेना भाई को तो गाइस ज़्यादा मैं फनी तो कुछ नहीं कर रहा इस वीडियो में क्योंकि पता नहीं कुछ करने के मन में तो MG ऐसा कौन बोलता बोलो नहीं पता नहीं पोकर में डायलॉग मिला तो बोल दिया 92% टेम हो चुका है गाइस एक कीबल में 92 कीबल काफ़ी अच्छा काम करता है तो गाइस यूनिट में जो है वो किसी काम आता है या फिर ऐसे फोकट कर दिया गया है मुझे बताइए गाइस अगर आपको पता है तो मेरे को लगता है इसे फोकट में दिया गया है
तो सबसे पहले लगता है अब टीम हो जाएगा तो मैं अपना अर्जुन टेविस बाहर से अंदर लेके आ जाता हूँ, क्योंकि इसे उठा कर मैं अपने बेस तक ले जाने वाला हूँ, क्योंकि इसके लिए मैं दरवाज़ा बिल्कुल नहीं तोड़ने वाला दोबारा से, मतलब दोबारा से नहीं, कभी तोड़ा भी नहीं है, पहली वाली बात है, पर तोड़ने वाला बिल्कुल नहीं, इसे मैं अपने आरजे पर उठाऊंगा या फिर टेलीपोर्ट करूंगा। ये तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, तोड़ो फिर से जोड़ो तोड़ो जोड़ो, ऐसे कमेंट सब खाली पूरे स्टूडियो में यही करता रहूँ क्या, तोड़ो जोड़ो। अभी थोड़ा सा तो बच्चा जैसे जल्द खा जा अच्छे बच्चे की तरह, अब इतना इतने देर तक इंतजार नहीं कराते अपने मालिक को, जैसे तू टेगा सारे तेरे को बहुत मारूंगा, पता है मेरे आरजी की आधी हेल्थ तूने खा ली थी साला। अबे रुक, अबे रुक हो जाना टेम मेरे माँ, सेविंग पता नहीं बार बार सेविंग का क्यों ऑप्शन आ जाता रहता है। तो गाइस फाइनली हमारा रैप्टर टेम हो चुका है, उसे 23 का लेवल हो चुका है उसका, तो इसे अब सीधे बेस तक ले जाते, उठा ले भी अबे उठ जा। तो गाइस एक प्रॉब्लम है, अब मुझे उठाने में तो ट्राई करता हूँ तो बार बार इसमें दीवार अटक जाती है, और ये मेरे पीछे फॉलो है इसलिए साला दीवार के पास ही चला जाता है, तो इसमें दोबारा उठाने की कोशिश करता हूँ तो फिर से नीचे अटक जाता है, तो उसे दोबारा उठाने की कोशिश करता हूँ तो दोबारा नीचे अटक जाता है, पता नहीं ऐसा 4-5 बार हो चुका है, मतलब वीडियो में हो चुका है। तो इस बार मैं क्या करता हूँ, इसे बीच में ले जाने की ट्राई करता हूँ, बीच में ले जाएंगे इस बार सीधे ऊपर ले जाऊँगा, सीधे ऊपर तो निकल गया था, इसी तरह मैंने इसे निकाल दिया था। और आप लोगों के सामने दिख रहा होगा ये क्या इस करना है, ब्रोंटो, तो मेरे ख्याल से एक और एक ब्रोंटो टीम करने वाला हूँ, तो मैं मतलब सोच रहा अभी इसके बारे में, अगर मैं आप लोग चाहते हो और एक ब्रोंटो टीम को तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं और एक ब्रोंटो टीम करूँ तो मैं आपके लिए ब्रोंटो की वीडियो सबसे पहले डाल दूँगा। तो गाइस सबसे पहले इसका सैडल बना लेते हैं, मेरे ख्याल से इसे पहले से स्टॉप कर लेते हैं, नहीं तो मेरे पीछे आता ही रहेगा, स्टॉप हो जा। तो गाइस कितना बुरा भी नहीं लग रहा हमारे रैप्टर, अच्छा दिख रहा है, और शुरू करते हैं। तो गाइस मैं इसका सैडल बना रहा हूँ, इसका सैडल पता नहीं कितने नंबर खुलता है, मैंने इसका सैडल अनलॉक नहीं किया होगा, इस मेरे को मालूम है सैडल बिल्कुल अनलॉक नहीं करता किसी का जब तक उसका टेमिंग का मतलब टेमिंग कर नहीं लेता, तब टेमिंग मतलब जब तक उसका टेमिंग का मूड नहीं हो जाता तो तब तक उसका सैडल अनलॉक नहीं कर लेता ना, तो मेरे को मालूम है। तो इसका सैडल स्मिति में मेरे ख्याल से नहीं बन रहा, या फिर ख्याल से इसका सैडल स्मिति में नहीं बनता, मेरे को यूनिट में देख लेना चाहिए एक बार। तो गाइस मैं अपने यूनिट में देख लेता हूँ मेरे इसका सैडल, हाँ गाइस इसका सैडल मेरे यूनिट में बन रहा है, देखिए। तो इसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए, हाइट चाहिए, क्या है इसका नाम पता नहीं, और क्या चाहिए, लकड़ियाँ चाहिए। तो गाइस इसका सैडल बन रहा है, तो फाइनली उसका सैडल हमारे यूनिट में बन चुका है गाइस। तो सबसे पहले सैडल पहना देते हैं इसे, अच्छे बच्चे की तरह सैडल पहन ले, साली का वेट अच्छा हुआ तो अच्छी बात है, नहीं तो मेरा वेट बहुत ज़्यादा है, पता नहीं सेफ आएगा नहीं। तो गाइस सबसे पहले इसे सैडल मतलब इसका लेवल है वेट पे डाल लेता हूँ, तो सबसे पहले सैडल पहन देते हैं। तो गाइस मुझे स्किन में दो मतलब क्या है, नीचे वाला क्या है, क्या ये क्या है, तो देखते हैं गाइस, वाह इसकी मतलब ये है क्या क्या गाइस गाइस ये देखिए रैप्टर, मतलब ये रैप्टर है क्या कुछ और, मतलब रैप्टर अच्छा दिख रहा है इसका, मतलब इतना बड़ा बना जो वीडियो आया है न्यू अपडेट का तो उसके जैसा रैप्टर दिख रहा है गाइस, आपको दिख रहा होगा। तो नीचे वाले मतलब जो नीचे वाले होता है इसमें आपको ये फैलाना पड़ता है, तो गाइस अच्छा दिख रहा है, इतना बुरा भी नहीं दिख रहा रैप्टर। तो गाइस मेरे को ख्याल से इतना मतलब इसकी आँखें देखिए कितना मतलब कैसा अजीब दिख रहा है, थोड़ा मेरे को जानता हूँ थोड़ा बहुत अजीब दिख रहा है, और इसकी पूछ काफ़ी अच्छी दिख रही है गाइस हिलती हुई, देखिए इसकी पूछ, मेरे को इसकी पूछ अच्छी लग रही है क्योंकि बहुत मतलब इधर से उधर घूम रही है, और मतलब इतना वेट भी नहीं लग रहा, काफ़ी मतलब मीडियम लग रहा है, मतलब इतना ये भी नहीं लग रहा लो मतलब इतना अच्छा भी नहीं लग रहा, क्योंकि इसके कुछ ज़्यादा ही कार्टून टाइप से बना दिया है, कुछ ज़्यादा ही कार्टून टाइप, मुझे इसे देखना चाहिए गौर से। तो गाइस ये कतई मतलब अच्छा कतई जहर में दिख रहा है, इसके आके कतई जहर दिख रही है आपको, ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो गाइस आज की वीडियो के लिए मैं यही स्टॉप कर लेता हूँ, तो मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और बेल आइकन जरूर दबा देना, और अपने भाई के चैनल को प्लीज़ लाइक कर दो।